वैश्विक संबंधों की परिधि का फैलाव वृहद स्तर पर होता है, जिसका प्रभाव अक्सर हमें पड़ोसी मुल्कों पर भी नजर आता है। यह संबंधों की ही तुरपाई होती है जो कहीं गहरे रिश्तों को बयां करती है तो कहीं तनाव की गांठ बनकर सामने आती है। और ऐसी ही कुछ तनातनी इन दिनों पश्चिम एशिया के दो पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच देखने को मिल रही है। दरअसल बीते दिनों दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करने वाली रेखा यानी डूरंड रेखा पर हिंसक झड़प हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डूरंड लाइन पर खोस्त के जजई मैदान क्षेत्र में अफगान तालिबान बलों और पाकिस्तानी सीमा रक्षकों के बीच झड़प हुई, जिसके कारण वहां के स्थानीय लोगों ने जगह को छोड़ सुरक्षित इलाकों में शरण ली। वहीं सीमा पर तनाव इतना बढ़ गया कि अब दोनों देशों के बीच युद्ध की चिंगारी सुलग रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच क्या है विवाद का कारण, साथ ही इन दोनों देशों के बीच उपजे तनाव से क्या प्रभावित होगा भारत। तो व्यूवर्स, आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले जान लेते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान संबंधों का इतिहास। वैश्विक मानचित्र में एशिया महाद्वीप में बसे देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में करीब 2600 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को डूरंड लाइन नाम दिया गया है। गौरतलब है कि साल 1893 में ब्रिटिश सिविल सेवक सर हेनरी मॉर्टिमर डूरंड और उस समय के अफगान शासक अमीर अब्दुल रहमान के बीच तत्कालीन ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा के रूप में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने तो मान्यता दी लेकिन अफगानिस्तान इससे गुरेज करता रहा। बहरहाल अतीत से निकल कर वर्तमान में आते हैं। साझेदारी के हिचकोले खा रहे दोनों देशों के संबंधों में साल 2021 में खटास आई, जब अफगानिस्तान की सत्ता तालिबान के हाथों में आई। गौरतलब है कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच संबंध काफी तनावपूर्ण हो चुके हैं और दोनों के बीच अब भरोसा नहीं रह गया है। इस बीच दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जिससे दोनों ओर से हमलों में बढ़ोतरी हो रही है, जो कि कहीं ना कहीं एक युद्ध की नींव रखने का काम कर रही है। हालांकि खुले युद्ध की संभावना कम है, लेकिन अफगान पाक क्षेत्र में निकट भविष्य में अशांति बनी रह सकती है। इसका मुख्य कारण है TTP यानी तालिबान तहरीक तालिबान पाकिस्तान। दरअसल तालिबान और TTP के बीच जातीय और वैचारिक समानताएं हैं, जिससे दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यहां गौर करने वाली बात है कि ये वही TTP है जिसे पाकिस्तान अपने अंदरूनी कलह का जिम्मेदार मानता है। पाकिस्तानी सेना ने इसके खिलाफ साल 2024 में एक बड़ा ऑपरेशन भी चलाया था, लेकिन वह इसे खत्म करने में नाकाम रही। वहीं दोनों पक्षों में हुई झड़प को देखते हुए अफगानिस्तान ने मध्यस्थता की भी पेशकश की, लेकिन बात ना बन पाई। और अब इस तनाव का असर दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों पर भी बखूबी नजर आता है। कभी एक दूसरे के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार रहे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा पार व्यापार में कमी दर्ज की गई है। इसके साथ ही अफगानिस्तान पाकिस्तानी सीमा के बजाय ईरान के चाबहार बंदरगाह में व्यापार निवेश कर रहा है। इसके अलावा उज्बेकिस्तान के साथ एक रेलवे लिंक भी बनाया जा रहा है, जो अफगानिस्तान को मध्य एशिया और अन्य देशों से जोड़ेगा। अब यहां गौर करने वाली बात है कि हाल ही में भारत ने ईरान संग चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्ष के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस दीर्घकालिक समझौते पर इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बीच शाहिदी बेहिश्ती टर्मिनल के संचालन करने हेतु हस्ताक्षर किए गए। और यह अनुबंध मध्य एशिया के लिए भारत की रणनीतिक एवं आर्थिक दृष्टि का हिस्सा है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं है कि तालिबान संघ यह तल्खी वैश्विक पटल पर पाकिस्तान के लिए लाभदायक नहीं है, और अगर तनाव की यह स्थिति भविष्य में युद्ध का रूप लेगी तो आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के सामने चीन से मदद मांगने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। चूंकि अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से निकलने के बाद तालिबान ने देश की सत्ता संभाली और अब धीरे धीरे अपने वैश्विक संबंधों को भी साधने में जुटा है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति में गुमनाम होने की कगार पर खड़ा है।
और अगर भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ट्रायंगल को देखें तो मालूम होता है कि एक तरफ जहां बीते दिनों भारत ने अफगानिस्तान की मदद की थी तो वहीं पाकिस्तान और भारत के रिश्ते की सच्चाई तो किसी से छिपी नहीं है। जाहिर है आपसी कलह किसी भी मसले का हल नहीं है बल्कि इससे संबंधों की डोरी में तनाव ही उत्पन्न होता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जहां एक ओर विश्व पहले से ही युद्ध की आग में झुलस रहा है तो क्या तालिबान पाकिस्तान भी इस विभीषिका को बढ़ाएंगे या फिर देश हित के दृष्टिकोण से मौजूदा हालात को बातचीत और कूटनीतिक स्तर पर हल करने का प्रयास करेंगे। तो व्यूवर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव के मुद्दों को रेखांकित करते हुए संभावित समाधानों पर चर्चा कीजिए। डियर व्यूवर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।